हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रसिका पगारिया। इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, राइट? इन दैट वी स्टडीड अबाउट द नेशन स्टेट इन यूरोप, देन वी स्टडीड अबाउट द नेशन स्टेट इन अमेरिका, एंड देन थर्ड पॉइंट वी स्टडीड इज द एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। See, Indian nationalism passes through various phases of development. See, Indian nationalism kya hai? It passes through various phases of development. As it advances from one phase to another, its social base broadens, its objective become more clearly defined and bold, and it forms an of expression more weird. See, ye kya hai? ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट फेज है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत ज़्यादा क्लियर है, बोल्ड है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पीपल इवॉल्व्ड अ नेशनल कॉन्शियसनेस एंड आउटलुक एंड वर ड्रॉन इन टू द ऑर्बिट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सी, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ वर्ल्ड पे, इंडिया पे क्या हो गया? People started becoming conscious about their nation. They started some movement and also that they can free their nation from the British rule. The national awakening founded expression in various sphere of national life, political, sport and culture. See, ये जो awakening थे, it was in the various field, like it was socially, culturally and even politically. Then phases of the rise of Indian national, falling at the phases of rising of Indian national. The first phase of Indian nationalism in the early 19th century was dominated by those who had first come in contact with British education in Calcutta, Bombay. See, Britishers ne ek cheez achhe ki India mein they bought the western culture, like western education, like English education in India. तो क्या था, जो लोग सबसे पहले कांटेक्ट में आए ब्रिटिश एजुकेशन के, दैट वाज इन कलकत्ता एंड बॉम्बे, दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग अदर पीपल। इन इट्स वेरी फर्स्ट फेज इंडियन नेशनलिज्म हैड अ वेरी नैरो सोशल बायस। सी, फर्स्ट फेज में क्या था, इंडियन नेशनलिज्म हैड अ वेरी नैरो सोशल बेस। पहला फेज क्या था, इंडियनिज्म नेशनलिज्म की फीलिंग क्या थी, एकदम नैरो, एकदम सोशल लेवल पे थी। The intelligent who were the product of the modern education imparted in the new educational institution established by the British in India in the first decade of the 19th century and who had studied Western culture and greatly estimated its democratic and nationalist idea formed the first theorem of the Indian society to develop a national consciousness and aspiration. See, यहाँ पे क्या हुआ, द इंटेलिजेंस का हुआ द प्रोडक्ट ऑफ, जो ये मॉडर्न एडुकेशन जिन्होंने लिया था वो क्या कर रहे हैं, इन द फर्स्ट डेकेड व्हाट दे डिड, हाँ, दे स्टार्टेड फर्स्ट, पहले उन्होंने वेस्टर्न कल्चर स्टडी किया एंड ग्रेटली उन्होंने देखा कि बाबा अपनी कंट्री को भी डेमोक्रेटिक चाहिए, इवन आर सोसाइटी शुड बी लाइक अपन कंट्री पे, अपने कंट्री पे अपन राज करने का, दे बिकेम नेशनल कॉन्शियसनेस एंड एस्पिरेशन जाग उठा उनमें, एक एस्पिरेशन आ गया कि बाबा हमको भी फ्रीडम चाहिए बोल के। राजा राम मोहन रॉय एंड हिज ग्रुप ऑफ एनलाइटेड इंडियंस वे प्रायनर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सी, राजा राम मोहन रॉय और जो उनका ग्रुप था, दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन नेशनलिज्म। दे वेर द एक्सपोनेंट ऑफ द इंडियन नेशन विच दे प्रोपोगेटेड अमंग द पीपल। सी, दे वेर द एक्सपोनेंट ऑफ द इंडियन नेशंस। दे इनिशिएटेड सोशल रिफॉर्म एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विच रिप्रेजेंटेड and drove to remold the Indian society and religions in the spirit of new principle of democracy, rationalism and nationalism. अभी राजा राम मोहन रॉय ने बहुत से सोशल मूवमेंट्स किए हैं, लाइक सबसे पहले तो वो सती प्रथा बंद की, राइट, देन ही प्लेड इम्पोर्टेंट इन विडो री मैरिज, देन फिर एडुकेशन मिलना चाहिए वुमेन के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इनफैक्ट राजा राम मोहन रॉय ने, तो उन्होंने लोगों को जागरूक किया एक्चुअली। So, and he was the first who took all this initiative and he started the reformer social reform movement. To remove the Indian society and religions in spirit of new principle of democracy. In fact, this movement were
the expression of the rising national democratic consciousness among the selection of the Indian people. See, in fact, ये सारे movements क्या थे? It were the expression of the rising national democratic consciousness among the selection of the Indian people. These founders and the first fighter of Indian nationalism stood up for democratic rights. ये जो founders थे, ये जो founder थे, they were the first Indian fighter जो अपने democratic rights के लिए खड़े हुए. Such as the freedom of press and outspoken demand like the right of the nation to have a voice in the administration of the country. See, पहला क्या उन्होंने freedom of press के लिए work किया. Like press should have the freedom. वो किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं. They are independent to do everything. Then secondly उन्होंने क्या बोला? हमारा नेशन है, हमारे नेशन का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हमारे कंट्री के लोग रहेंगे. लाइक उसमें सारे ब्रिटिशर्स लोग थे और इंडियन थोड़े बहुत थे, बट उनको भी हायर पोस्ट पर नहीं था, तो हायर पोस्ट पर भी हमको इंडियन चाहिए. सही बात है ना? देन सेकेंड फ्रेस आफ्टर 1870 व्हेन फेमाइन्स एंड अगेरियन अनरेस्ट ट्रबल बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेंट्स बिटवीन इंडेपेंडेंस पीसेंट्स एंड मनी लेंडर the agitation for job in the civil service, the criticism of British revenue policy in India, the charges of exploitation and of wasteful expenditure on railway and frontier war provided ample scope of nationalist criticism. See, यहाँ पे क्या हो गया? After 1870 क्या हो गया? जब famine आ गया, agriculture में कुछ नहीं रहा, landlord, tenants, ये सारे peasants, ये सबको है ना मनी लेंडर्स ने, ये सब बुरी तरह से कर्ज में डूब गए थे, लोगों के पास जॉब के लिए कुछ नहीं था. सो व्हाट दे डिड, दे वेंट इन द सिविल सर्विस में वो चले गए, तो उनको ब्रिटिश पॉलिसी वगैरह पता चली, लाइक ब्रिटिश उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है एंड ऑल. दे केम टू नो कि बाबा ब्रिटिश अपने को हर तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है. वो रेलवे लेके आ रही है, रेलवे इंट्रोड्यूस करा रही है, बट रेलवे का फ़ायदा सिर्फ उनको हो रहा है. तो क्या हो गया और ज़्यादा, तो लोगों में नेशनलिस्ट की फीलिंग आ गई यहाँ पे. द इकोनॉमिक चेंजेस विच हैड बीन ब्रॉट अबाउट अ सेवरल डेकेड ऑफ स्टेबल ब्रिटिश रूल नाउ शोड देयर क्यूमुलेटिंग इफेक्ट. सी द इकोनॉमिक चार्जेस विच हैड बीन ब्रॉट अबाउट बाय, अभी जो इकोनॉमिक चार्जेस है जो काफ़ी सालों से चल रहे थे, तो ब्रिटिश रूल आया तो कुछ कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ. द प्रेशर ऑन द लैंड हैड इंक्रीज्ड एंड लैंडलॉर्ड्स who had to treat their tenants lengthily in earlier times when cultivators were scarce could now enrich their rent as cultivator were competing for the land. See, pressure on land बढ़ते जा रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था, उनको टैक्स वगैरह पे करना पड़ता था, तो टैक्स पे कहाँ से करता था फार्मर, फार्मर को टैक्स वगैरह पे करना इम्पॉसिबल था उस वक्त. बट क्रॉप आओ नको आओ, एक तो पहले ही फैमिन आ गया था वहाँ पे, तो फिर पे टैक्स वगैरह भरना, इट वॉज रियली प्रेशराइजिंग ऑन द ग्रुप हु हैड टू ट्रीट दैट टीनेंट लैंड इन द अर्ली टाइम्स व्हेन कल्टीवेटेड वेर स्केर्स. अब जब कल्टीवेशन ही अच्छे से नहीं हो रहा है, तो बाकी सब कुछ कैसे अच्छे से करेंगे. मोनिटाइजेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन एंगेज द एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड द डिफ्लेशन ऑफ स्टोर्स वुड कॉज फेमाइन इन बैड ईयर. सी मोनिटाइजेशन, अब बेटर कम्युनिकेशन हो गया, सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम अपना कैसे अच्छा हो गया, अपन फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करने लगे. लाइक ब्रिटिशर्स फार्मर से लेते थे एकदम लो रेट में एंड दे यूज टू एक्सपोर्ट इट टू द ब्रिटेन एंड ऑल, उसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को ही रहता, इंडियन को तो नहीं हो रहा था. तो अपने पास स्टोरेज सिस्टम में कुछ नहीं रह रहा था यहाँ पे. सो व्हाट हैपेंड, वी वर इन डेप्थ अगेन. मोनिटाइजेशन एंड बेटर, ओके, द फर्स्ट फेज एक्सटेंडेड टिल 1885 and cumulated in the rise of Indian National Congress in that year. See, the first phrase extended till 1885 and now came the Indian National Congress in that year. The second phrase roughly covered the period from 1885 to 1905. See, first phrase was till 1885, second phase from 1885 to 1905. The liberal intelligentsia who were at the हेल्मर ऑफ कांग्रेस वेर द लीडर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड फ्रेज. सी यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड बीन फॉर्म्ड, सो द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस दे केम अप इन द सेकेंड फ्रेज एंड दे स्टार्टेड मूवमेंट फॉर अवर नेशनलिज्म. द आइडियोलॉजीज एंड मेथड्स डिटरमाइंड द प्रोग्राम
and four of the movement, which reflected the interest of the development of the two bureaucratic society in India. See, their ideology and methods determined the program and form the movement. See, उनके ideology क्या है, उनके ideology में क्या बोला है उन्होंने, program determine किया है, जिससे क्या हुआ, interest develop हुआ और नई society develop होना शुरू हो गया. The social basic of this movement was extended during this period of the educated middle class, which and by the end of 19th century had appreciably grown as a result of expansion of modern education. See, अब क्या हो गया है, अपना सोसाइटी भी थोड़ा चेंज हो रहा है. क्यों? क्योंकि पीपल आर गेटिंग मोर एडुकेटेड. 19th सेंचुरी में क्या हो गया है, एक मॉडर्न एजुकेशन का ग्रुप हैज बीन कम फ्रंट. पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर एडुकेटेड हियर, राइट. एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न एंड टू गो अ सेक्शन ऑफ द मर्चेंट क्लास विच हैड डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल ट्रेड. और एक नया क्लास आया, दैट इज ऑफ द मर्चेंट, विच वॉज द रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल ट्रेड. विच वॉज द रिजल्ट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल ट्रेड हो गई. मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑल्सो ग्रू स्टेडिली ड्यूरिंग दिस पीरियड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द क्लास ऑफ इंडस्ट्रियलाइज एमर्ज एंड बिगेन टू गेन स्ट्रेंथ. सी, वन मॉडर्न इंडस्ट्री ग्रू अप स्टेडिली, मॉडर्न इंडस्ट्री केम अप हियर, ओके. एंड एज अ, उसके लिए क्या हो गया, एक नया क्लास ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट आया एंड इट गेन मोर स्ट्रेंथ. सी, नाउ हियर अ न्यू क्लास केम फॉरवर्ड. इंडस्ट्रीज ग्रो होने लग गया, थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, डेवलपिंग होने लग गया, तो क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लग गया. द मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्लोली स्टार्टेड कमिंग अप एंड द न्यू क्लास ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो केम अप नाउ एंड इट स्टार्टेड गेनिंग स्ट्रेंथ. दे स्टार्टेड ओरिएंटिंग टूवर्ड्स द कांग्रेस विच अडॉप्टेड द प्रोग्राम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री. सी, दे स्टार्टेड ओरिंग टूवर्ड्स द कांग्रेस. अभी वो कांग्रेस की ओर से ज़्यादा प्रभावित थे उस वक्त लोग, और वो कांग्रेस की जो भी पॉलिसी है, दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग दैट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग. इन 1905 ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली द स्वदेशी कैंपेन. अभी 1905 में क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन बना विच हु वॉज वेरी, दैट ऑर्गेनाइजेशन वॉज वेरी एक्टिव एंड दैट वॉज नोन एज द स्वदेशी कैंपेन. द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ द लिबरल मेनली वॉइस द डिमांड ऑफ द एडुकेटेड क्लास and trading boisterously, such as the Indianization of service, the association of the Indians with the administrative machinery of the state, the stoppage of economic drain and other formulated in the resolution of the Indian National Congress. See, the जो Indian National Congress था वो leadership of liberals, क्या हो गया, बहुत से class वहाँ पर बोला कि बाबा एक educated class आ गया है, फिर ट्रेडिंग बॉर्डर के बाहर अपना ट्रेडिंग होने लग गया. देन इंडियन ने डिमांड किया कि बाबा हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी होना चाहिए, राइट, जहाँ पे हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें एंड ऑल. और फिर इकोनॉमिक ड्रेन जो हो रहा है वो स्टॉप होना चाहिए, जो हमारी इंडिया की वेल्थ जो ब्रिटिशर्स इंग्लैंड लेके जा रहे हैं, इट शुड बी स्टॉप समवेयर. और ऐसे बहुत सारे रिजोल्यूशंस बनाए गए बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इट ऑल्सो सेट फोर्थ सच डेमोक्रेटिक demands are those of representative institution and civil liberties. See, it also set forth such democratic demand. उन्होंने और बहुत से democratic demand बनाई जो representative institution and civil liberty के लिए है. Its method of struggle dominated the liberal congress was principally constitutionally education, agitation, effectively argument and traditions of the British people. See, इट्स मेथड ऑफ स्ट्रगल डोमिनेटेड बाय लिबरल कांग्रेस. सी, इनका जो मेथड ऑफ स्ट्रगल था वो कांग्रेस के हाथ में चल रहा था, एजिटेशन वगैरह चल रहा था, तो क्या है, थोड़ा सा ब्रिटिश के अगेंस्ट यहाँ पे वॉर चालू हो गया. सिंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट सेटिस्फाई द मोस्ट वाइटल डिमांड्स ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, द डिसोल्यूशमेंट सेट इन अमंग अ सेक्शन ऑफ द नेशनलिस्ट रिगार्डिंग द आइडियोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ द लिबरल्स पोलिटिकल ग्रुप with a new philosophy, political ideology and conception of the method of struggle crystallized within the Congress. See, अब क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट
वॉज नॉट हैप्पी विद द डिमांड मेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो ये मूवमेंट चला रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, उससे भी ये लोग ज़्यादा खुश नहीं थे। तो क्या हो गया, बहुत से पॉलिटिकल ग्रुप वगैरह सामने आए विथ नए विथ न्यू फिलोसॉफीज विथ न्यू आइडियोलॉजीज एंड विथ न्यू स्ट्रगल विद इन द कांग्रेस, राइट, क्योंकि ब्रिटिश लोग उनकी डिमांड मान नहीं रहे थे। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एडुकेटेड मिडिल क्लास यूथ ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द सोशल एंड स्टेट अपैरेटस टू इनकॉर्पोरेट देम एंड फर्दर इकोनॉमिकली मिसरी अमंग द पीपल ड्यू टू डिवास्टिंग एपिडेमिक एंड फेमाइन एट द क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू ग्रुप द एक्सट्रीमिस्ट से। अब क्या हो गया, लोगों की हालत यहाँ पे बहुत बुरी हो गई। क्यों, यहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा एडुकेशन लिया भी, बट फिर भी उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, नौकरी नहीं थी तो अभी क्या हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा बुरा हो गया। और उसी वक्त क्या हुए, नए नए बीमारियाँ, प्लेग वगैरह आया था, फैमिन आया था इन द क्लोज ऑफ द 19th सेंचुरी। तो क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, एक नया ग्रुप आया। इन सब की बातों से इन्फ्लुएंस होकर क्या है, एक न्यू ग्रुप केम फॉरवर्ड विच क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशन फॉर देम एंड दैट ग्रुप इज नोन एज द एक्सट्रीमिस्ट। वेरियस अनपॉपुलर मेजर्स ड्यूरिंग द वाइसरॉय ऑफ लॉर्ड कर्जन सच एज द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल फर्दर एंस्ट्रांज द पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड मेड द पॉलिटिकल कॉन्शियस मिडिल क्लास रैली राउंड द एक्सट्रीम हु पोजेस सच केपेबल एंड सेल्फ सेक्रीफाइस लीडर एज तिलक, अरविंद कुमार घोष, बीसी पाल, लाला राजपाल राय। अब क्या हो गया, अभी लॉर्ड कर्जन आ गया, ही बिकेम द वॉइस रॉय, राइट, लॉर्ड कर्जन। तो ही केम अप विथ सर्टन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट और उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। और पार्टीशन भी कैसा किया, हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ। तो क्या हो गया, तो अपना पॉलिटिकल भी जो पॉलिटिक्स था, अपना जो गवर्नमेंट था, वो पूरा हिल चुका था। तो अभी मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड मेकिंग रैली एंड ऑल, लोगों ने बहुत अपोज किया ये बंगाल के पार्टीशन को, बट नहीं कुछ हुआ। तो अभी इवन जो आम लोग थे, इवन दे बिकेम अवेयर एंड दे स्टार्टेड, उन्होंने लाइक एक्सट्रीमिस्ट पे, ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन पे भरोसा करना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था लाइक इनके अंदर कैपेबिलिटी है एक्सट्रीमिस्ट में, ये जो जो एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं इनके अंदर कैपेबिलिटी है, इनके अंदर एक सेल्फ सेक्रीफाइस करने की ताकत है जिससे अपने को अपना हक मिल सकता है। सो दे हैव गिवन द नेम ऑफ सम एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाइक तिलक, अरविंद घोष, बीसी पाल, लाला लाजपत राय बाय 1905। इवन सम ऑफ द लिबरल्स बिगैन टू लूज फेथ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, सी बाय 1905 क्या है, और बाकी जो लिबरल्स थे जो लाइक ना ब्रिटिश, जिनको किसी से कुछ लेना देना नहीं था, जो लिबरल लीडर्स दूसरे भी थे, उनको भी पता चल गया कि दे स्टार्टेड लूजिंग फेथ इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इवन दे केम टू नो कि बाबा ब्रिटिश अपना भला, सिर्फ अपना भला दिख रहा है एंड इंडियंस को उससे कुछ नहीं, इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर द एक्सप्लॉयट द इंडियंस। However, they did not renounce their political philosophy and methodology of struggle. But फिर भी उन्होंने कुछ भी स्टेप्स नहीं लिए ताकि वो इसको अगेंस्ट करें, ना ही कोई मेथोडोलॉजी बनाई ताकि वो स्ट्रगल करें। पोलिटिकल डिसकंटेंट ड्यूरिंग द सेकेंड फ्रेज ऑल्सो एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द ग्रोथ ऑफ टेररिस्ट मूवमेंट। सी पोलिटिकल डिसकंटेंट ड्यूरिंग द सेकेंड फ्रेज ऑल्सो एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द ग्रोथ ऑफ द टेररिस्ट मूवमेंट। अभी क्या हो गया, पॉलिटिकली सब डिसकंटेंट था, नो वन वेर हैप्पी इन दिस फेज। तो सेकेंड फेज में क्या हो गया, थोड़ा सा टेररिस्ट वगैरह सा, ये टेररिस्ट मूवमेंट वगैरह होने लगे। अ स्मॉल सेक्शन ऑफ नेशनलिस्ट यूथ ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन टेररिस्ट बैंड एंड रिलाइड अपॉन सच मेथड ऑफ असासिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफिसर एंड सम टाइम फॉर्मेटिंग ऑफ म्यूटिनीज इन द आर्मी फॉर अचीविंग पॉलिटिकल फ्रीडम्स। तो क्या हो गया, एक छोटा सा सेक्शन बन गया यूथ का, हाँ, जो टेररिस्ट के जैसे काम करने लगे। और टेररिस्ट के जैसे काम करते करते अगर कोई ऑफिसर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, तो वो उसको उठा लेते थे, राइट, वो इंडिविजुअल ऑफिसर को उठा लेते थे। सम टाइम क्या करते थे, वो एक छोटी सी आर्मी बना के अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए भी लड़ना शुरू हो गया था। लाइक बेसिकली यहाँ क्या है, पीपल बिकेम अवेयर अबाउट द ब्रिटिश रूल, हाउ ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉइटिंग देम एंड दे आर नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया।
they are just taking India's wealth to the their home country, that is England. So we'll wind up our lecture here. In next lecture we'll study about the third phrase. We'll study about the third phase, fourth phase, fifth phase. We'll study in the next lecture. Thank you.